नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जिन स्टूडेंट का एग्जाम दिसंबर मंथ में है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूँ जो एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं और नए सिलेबस पे आधारित है। तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को और आज की टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेस्ट को ज्वाइन करिए और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर करिए, जिससे वो भी ज्वाइन कर सके क्लासेस। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे ट्रिपल सी से रिलेटेड में कोई भी इन्फॉर्मेशन अपलोड करो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और ये आपकी अपनी वेबसाइट है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पर भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए टॉप लेवल के क्वेश्चन और आंसर दोनों देखने को मिलेंगे। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार ओपन जरूर करिएगा, वहाँ से भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। आज के टेस्ट में जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? नंबर एक मुंबई, नंबर बी बैंगलोर, सी नंबर पुणे, डी नंबर दिल्ली। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है और ये आपका कॉमन सा क्वेश्चन है, कहीं पर भी किसी के द्वारा भी पूछा जा सकता है कि जो भारत का पहला कंप्यूटर सुपर था वो कहाँ बनाया गया था, क्योंकि अगर आप इस फील्ड से जुड़े हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है। तो नंबर एक है मुंबई, बी नंबर बेंगलोर, सी नंबर पुणे, डी नंबर दिल्ली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बेशक बता सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर पुणे में। ठीक है, सी नंबर पुणे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपोलॉजी क्या है? नंबर एक इंटरनेट कनेक्शन, बी नंबर केबल का प्रकार, सी नंबर नेटवर्क का प्रकार, डी नंबर नेटवर्क की आकृति। तो दोस्तों, टोपोलॉजी क्या है आप लोगों को मैंने शायद बताया था पिछली वीडियो में। तो टोपोलॉजी आप लोगों की क्या होती है, जैसे कि बेस, वो मेस, ठीक है, बस, स्टार, मैंने रिंग टोपोलॉजी इन सब के बारे में आप लोगों को बताया था। तो ये कई प्रकार की टोपोलॉजी होती हैं। तो टोपोलॉजी क्या होती हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर नेटवर्क की आकृति होती हैं। ठीक है, किस आकृति में नेटवर्क को हमें मॉडिफाई, यानी कि किस नेटवर्क में कैसे कैसे होकर वो नेटवर्क एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचेगा, तो वो होती है हमारी आकृति। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पिछले बैच के जो स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, जब पिछले मंथ हुआ था एग्जाम, तो बहुत सारे स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली थी, वो अच्छे ग्रेड से पास भी हो चुके हैं, उनका भी जल्दी से जल्दी में रिजल्ट भी आ गया। इस मंथ का भी रिजल्ट आ चुका है, अभी शायद कल ही परसों डिक्लेयर हुआ है रिजल्ट। ठीक है, तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करें तो आई होप आप लोगों को पूरी हेल्प मिलने वाली है, तो बस आप पढ़ाई अच्छे से करिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मेमोरी सबसे तेज काम करती है? नंबर एक है एसडी रैम, और एस नंबर बी नंबर है एस रैम, और सी नंबर है डी रैम, और डी नंबर है नन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपको मालूम है तो बेशक आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसका राइट आंसर शायद मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, तो आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है, आप बेशक बताइए, अदरवाइज मैं तो बताऊँगा ही। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, एस रैम, एस रैम हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एस रैम का फुल नेम होता है स्टैटिक रोम। ठीक है, स्टैटिक रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर आई का पूर्ण रूप क्या होता है, या यू आर आई का फुल नेम क्या होता है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों, नंबर एक ऑप्शन है यूनिक रिसर्च इंटरनेट, बी नंबर यूनिवर्सल रिपोर्ट आइडेंटिफायर, और सी नंबर यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, डी नंबर नन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, फुल नेम, शॉर्टकट कीज, ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? ए नंबर है लिनक्स, बी नंबर है डॉस, सी नंबर है यूनिक्स, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो सिंगल यूजर का मतलब कि वन टाइम में एक ही यूजर उसमें काम कर सके, तो इसलिए उसको बोलते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डॉस, एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस का फुल नेम होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस राइटर में
थिसोरस कमांड किस टाइप में पाया जाता है, ठीक है। तो राइट, ए नंबर है टूल्स, बी नंबर इंसर्ट, सी नंबर है एडिट, डी नंबर है फाइल। लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप जितना भी हो सके लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइए। मैंने भी स्पेशल क्लासेस बनाई है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो सारी वीडियो देख लीजिए या चैनल पे भी जाके वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जो आप लोगों को ये कमांड देखने को मिलेगा, बगल में आपको स्पेलिंग चेक, थीजर्स और ट्रांसलेट ये सब ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो वो है क्या, लिब्रे ऑफिस की बात हो रही है। राइट आंसर हो जाएगा टूल्स, ए नंबर में, ठीक है, टूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है IBM 1403 क्या है। एक नंबर है सुपर कंप्यूटर, बी नंबर एक प्रिंटर, सी नंबर एक मेन फ्रेम कंप्यूटर, डी नंबर एक माइक्रो कंप्यूटर। तो IBM एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि कंप्यूटर डेवलप करती है और भी बहुत सारे पार्ट डेवलप करती है, लेकिन ये क्वेश्चन जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे होंगे उनको मालूम होगा कि ये एक प्रकार का कंप्यूटर है या सुपर कंप्यूटर है। तो बिल्कुल रॉन्ग आंसर ये है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, एक प्रिंटर होता है, ठीक है। IBM 1403 एक प्रकार का प्रिंटर होता है। आप ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं IBM का फुल नेम भी पूछ लिया जाता है, तो IBM का जो फुल नेम होता है वो होता है आई से इंटरनेशनल, बी से बिजनेस, एम से मशीन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए क्या प्रयोग करना पड़ता है या क्या प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर में जब इंटरनेट होता है या फिर आप लोगों को किसी आप लोग गलती से कोई हैकर आपके डेटा को चुरा लेता है या भी किसी भी तरह का आपको कंप्यूटर में नुकसान पहुंचा देता है तो आप हैरान हो जाते हैं, तो उसको बचाने के लिए आप कौन सा यूज करेंगे। इसमें से नंबर एक फायरवॉल, बी नंबर VPS, सी नंबर BCC, डी नंबर नन। तो राइट आंसर हो जाएगा फायरवॉल। फायरवॉल एक आपका दीवार की तरह काम करता है, जैसे कि एक दीवार होती है तो उस पार कोई जा नहीं सकता, ठीक है, उसी तरह एक फायरवॉल होता है जो कि हैकरों से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस ESC से क्या ओपन होता है। नंबर एक है विंडोज टेबल, बी नंबर स्टार्ट मेनू, सी नंबर टास्क मैनेजर, डी नंबर कंट्रोल पैनल। तो जो कंट्रोल प्लस एस्केप की होती है, ESC की का नाम होता है एस्केप की। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ESC की का फुल नेम क्या होता है, तो आपको बताना है ESC की का नाम पूरा होता है एस्केप की, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जब आप कंट्रोल प्लस एस्केप की प्रेस करेंगे तो आपके सामने स्टार्ट मेनू ओपन होकर आएगा। एक बार ट्राई करो कर जरूर करिएगा, अगर आपके पास सिस्टम है तो स्टार्ट मेनू ओपन होकर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है BADA यानी बाडा क्या है। ए नंबर एक ब्राउजर, बी नंबर एप्लीकेशन, सी नंबर ऑपरेटिंग सिस्टम, डी नंबर एंटीवायरस। तो आप लोगों ये नाम पहली बार शायद सुनने होंगे, तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS होता है, जो कि मोबाइल में ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, और आपके कंप्यूटर में। और क्या बोलते हैं जो आप लोगों का छोटा सा होता है, क्या नाम है उसका, भूल गए, टैबलेट, उसमें भी यूज होता है, ठीक है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या इंस्टाग्राम में से कोई फोटो या वीडियो सेव कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आई होप इस समय जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है वो इंस्टाग्राम हो रहा है, तो आई होप सभी लोग यूज करते ही होंगे। इंस्टाग्राम में फ़ोटो और वीडियो को हम सेव नहीं कर सकते, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा फास्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने के शॉर्टकट कीज कंट्रोल प्लस इंटर होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू। लिब्रे ऑफिस में जब आप कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे तो आपका पेज वहां से ब्रेक हो जाएगा, यानी कि वो पेज जो कुछ आप लिख रहे होंगे दूसरे नेक्स्ट पेज में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में मेलिंग टैब होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फाल्स। अब फाल्स क्यों होगा भैया, तो फाल्स इसलिए होगा क्योंकि मेलिंग टैब होता है ये MS वर्ड में पाया जाता है, MS एक्सेल में नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा फाल्स। अगर यही होता MS वर्ड या वर्ड में तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करते मेलिंग टैब, यस ट्रू है, लेकिन यह है एक्सेल में इसलिए हो जाएगा फाल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CMOS द्वारा कंप्यूटर में समय और दिनांक सिक्योर रहते हैं। ए नंबर फाल्स, बी नंबर ट्रू। तो CMOS के बारे में बता दूं आपको, CMOS इस प्रकार का सेल होता है जो कि कंप्यूटर में आपके डेट और टाइम को मैनेज करता है। डेट और टाइम को मैनेज करने के लिए CMOS का ही यूज किया जाता है, क्योंकि CMOS एक प्रकार की आप बैटरी या आप ऐसा कर सकते हैं सेल होता है जो कि
समय और दिनांक को निर्धारित करती। सीएमओएस अगर बैटरी ख़राब हो गई है, किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो आप लोगों के जो सिस्टम का डेट टाइम है वो रॉन्ग हमेशा दिखाएगा। भले ही जैसे कि ओपन किया सिस्टम, आपने रॉन्ग दिखा रहा, सही कर लिया, उसके बाद दोबारा आप कंप्यूटर बंद करके दूसरे दिन ओपन करेंगे या उसी टाइम ओपन करेंगे, तो फिर से वो डेट और टाइम आपको रॉन्ग बताएगा। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, सीएमओएस डेट और टाइम मैनेजमेंट करता है, समय और दिनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTGS UTR में 22 यानी कि 22 संख्याएं होती हैं, तो जी बिल्कुल राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। RTGS ठीक है में 22 संख्याएं होती हैं। आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया होगा तो आप लोगों को मालूम होगा SBIN 2201956 इसी तरह की आपको 22 संख्याएं मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट को बदला नहीं जा सकता, तो भैया क्यों नहीं बदला जा सकता, फॉन्ट तो हम बदल ही सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फाल्स। अब फाल्स क्यों होगा, क्योंकि बदला तो भैया जा सकता है, ठीक है, इसमें कह रहा नहीं बदला जा सकता, तो इसलिए फाल्स हो जाएगा, ठीक है, आप बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर की स्वयं की मेमोरी होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि प्रिंटर में कोई मेमोरी तो होती नहीं, तो आज आपको वीडियो में क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन में कि लेजर प्रिंटर में कोई मेमोरी होती है नहीं। ये क्वेश्चन हो जाएगा राइट, जो लेजर प्रिंटर होता है उसमें स्वयं की मेमोरी होती है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉस का पूर्ण रूप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आई होप अभी मैंने आप लोगों को बताया है ऊपर एमएस डॉस के बारे में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डॉस का फुल नेम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोज के लिए शॉर्टकट कीज Alt प्लस F8 है। माइक्रोज, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है माइक्रोज, क्योंकि माइक्रोज का कुछ वर्क ही डिफरेंट होता है, किसी वीडियो में आप लोगों को इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो माइक्रोज की जो शॉर्टकट कीज होती है वो Alt प्लस F8 ही होती है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस ऑफिस 2007 यानी 2007 में ऑफिस बटन पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, ठीक है, हो जाएगा ट्रू। एमएस ऑफिस 2007 में ऑफिस बटन पाया जाता है, जब आप एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल ओपन करते तो आपको एकदम कॉर्नर पे आपको ऐसा कुछ दिखेगा विंडो की तरह, ठीक है, तो वही होता है ऑफिस का बटन। तो दोस्तों इस राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन, अगर आप इसी तरह के और भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। मोटिवेशन के लिए लाइक जरूर करिएगा। अगर आप ट्रिपल सी से रिलेटेड कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बेशक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आप ही का है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।